तो आज जो मेथड में जा रहा हूँ वो किसी ने सोची नहीं होगी। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ साइमन को। अगर आप सोचे साइमन कहाँ से आ गया, तो एक मिनट रुके, मैं कॉल करके आपको बताता हूँ साइमन कहाँ से आया है। उस लगा ये रही। दोस्तों बात ऐसी है कि साइमन था वो बंदा जिसने उसला को भड़का के मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस कराया था। अगर आपको नहीं पता ये बात कब की है तो जाके पुरानी वाली वीडियो को चेकआउट जरूर करिए। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ उसला के पास और जाके उससे पूरे उसको लेके जा रहा हूँ साइमन की ही डीलरशिप खरीदने। और बेसिकली मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं उसके साथ करने वाला हूँ बहुत बड़ा स्कैम, क्योंकि उसने मेरी लाइफ बेकार कर दी थी। तो गाना मैंने अपना फेवरेट लगा दिया है, बदले की आग है, तो चलो चलते हैं फटाक से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो ऑलराइट दोस्तों, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं उस लगे के पास। थोड़ी सी दूर है, यहाँ से मुझे मारना है लेफ्ट और फिर स्ट्रेट से फिर राइट और हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बस दोस्तों साइमन से बदला लेना है, जिसमें माइकल हमारी पूरी मदद करने वाला है। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे जो हम लोगों की मदद करेंगे। चलो आ गए अपनी बेबी के पास, चलो दोस्तों मिलते हैं। ये है उसला जिसने करा था मुझ पर डिफेमेशन का केस। बेसिकली साइमन ने इसको भड़का दिया था क्योंकि साइमन इसका रिश्तेदार लगता था, चाचा का लड़का है या लड़की है, पता नहीं क्या है, पर कुछ भी हो साइमन ने इसको भड़काया और मैं साइमन को भड़का के ऐसा लगाने वाला कुछ आप सोच भी नहीं सकते। चलिए फिलहाल तो मोमेंट इन्जॉय करते हैं यार, क्या ही बढ़िया वेदर हो रखा है, क्या ही साथ में अपनी बंदी है, ड्राइव का मौका है और साइड बगल में समुद्र है यार, इससे बड़ा क्या ही सीन चाहिए लाइफ में। बट जब कुछ जलने लगे तो उनको तोड़ना भी जरूरी। तो ऑलराइट दोस्तों, हम लोग काफ़ी दूर तक आगे निकल आए, अब हम लोग फटाफट यहाँ से, अरे यार टर्न मिस हो गया, चलो कोई नहीं, गूगल मैप यहाँ बोलता नहीं है, सीधी और गूगल असिस्टेंट दोनों ही बेकार हैं यहाँ के। फटाक से यहाँ से राइट लेते हैं और हम लोग पहुँचते हैं फटाफट, क्योंकि आज कुछ भी करके मैंने ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि मैं वो डीलरशिप खरीद लूँगा, इसीलिए मैं माइकल के घर जा रहा हूँ डायरेक्ट। माइकल से पैसे लेकर के मैं जाऊँगा साइमन की डीलरशिप पर, जहाँ पर मैं उसकी बेटी और वाइफ के साथ मिलकर डील क्लोज करूँगा और उनको ऑनलाइन फ्रॉड कर दूँगा। बेसिकली मैं उनको पैसे भेजने की एक्टिंग कर दूँगा, पैसे का स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा जो कि माइकल ने मेरे अकाउंट में डाला है, जितना उतना ही उनको मैं डलवाऊंगा। और चलो माइकल के घर के पास आ गए हम लोग, फटाफट गाड़ी लगाते हैं। उसला गुस्सा है, कह रही ऐसे नहीं करना चाहिए, बट बदला तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। फटाफट मैं जाके माइकल से मिल जाता हूँ। तो ऑलराइट दोस्तों, मैंने माइकल के साथ पूरी मिलके प्लानिंग कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं और वो गुस्सा होके तो चली गई है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ साइमन की बैंड बजाने, मैं जा रहा हूँ साइमन की वाइफ और बेटी के साथ मिलके डील क्लोज करूँगा, उसकी डीलरशिप खरीद लूँगा, उसको फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा और मैं वहाँ से निकल लूँगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉल करके मना लेता हूँ, शायद ये चले। तो अगर वहाँ पे साइमन आ भी जाए तो उसको रियल लगे सब कुछ। दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, अब मैं इससे बहस कर भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ पहले डीलरशिप की लोकेशन मार्क कर लेता हूँ और चलते हैं फटाफट हम लोग डीलरशिप बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और आप बताइए आप जैसे आजकल क्या ही हाल चाल है। अभी यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कुछ भूलो, हाँ यार शिट, मैं जिमी को लेना भूल गया। जिमी उस बंदे ने हमारी बहुत मदद करी थी उस टाइम पे, तो मैं उसके साथ ही ये डील क्लोज करना चाहता हूँ और जिमी को लेके जा रहा हूँ। और फिलहाल आजकल जिमी भी सुधर गया है, काम वगैरह पे जाने लगा है, काम वगैरह करता है जिमी सारा टाइम। हॉस्टल ऐसे कुछ बता रहा था, तो वहीं पे चार दिन तक करते हैं, आ रहा हूँ भाई, दो मिनट बस वहीं पे रुकना, बस आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जिमी से बात हो गई है, जिमी कह रहा है कि आ जाओ रॉकफोर्ड मुझे ले लो अकद के, क्योंकि इस समय वो साइकिल से जाता है, साइकिल से आता है, और हम लोग साइमन के आप उसको नहीं भुलाना चाहेंगे। और रॉकफोर्ड प्लाजा पहुंच गए हम लोग, तो चलिए दोस्तों जिमी को यहाँ से उठा लेते हैं और ये आगे लेफ्ट मार करके यहाँ से मारूंगा राइट। सामने वो मोटा खड़ा है, अपना मोटे को उठाते हैं, होमी आ जाओ बेटे साथ में चलते हैं हम लोग। हाँ चलो बेटा, आज हम लोग जाते हैं दोस्तों जिमी के साथ मिलके साइमन की बैंड बजाने, जिस साइमन ने जिमी का भी काटा था, इसको एक कार बेची और जिमी ने उसकी पेमेंट भी कर दी, तब भी इसने वो कार मेरे हाथों ही चुदवाई थी, चुरा ली थी, मतलब बेसिकली से। हाँ यार भाई तुम्हारे साथ मजा आती है मजा करने में, बहुत अच्छी।
अरे जी हाँ दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, जिमी रोज आया क्योंकि अभी अभी इसका ब्रेकअप हो गया है। जहाँ भी काम करता मारा इसको एक लड़की पसंद आ गई थी, इसे आई लव यू बोला उसने, इसका बस यूज करा, इसके पैसे लिए, इसके साथ एक दो दिन जाइए और इसको काट के चली गई यार। जिमी ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा यार, ठीक है सॉरी यार, कोई बात नहीं। अरे तू ये देख यार, चार दफा मार कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा भाई। तू ये देखो, हम लोग डीलरशिप ले रहे, तू यहाँ काम करियो, यहाँ पे मैं बढ़िया बंदी रखूंगा, तू उसे पटा लियो ठीक है। चल गाड़ी फटाक से लगाते हैं। जब साइमन आए उसके पहले हम लोगों को डील क्लोज करनी, क्योंकि साइमन गया हुआ है लिबर्टी सिटी अच्छी कार लाने के लिए। मैंने उसकी वाइफ को बता दिया कि लॉस में बंदा धंधा बना रहा है और ये सब है। तो ओ साइमन की वाइफ है या बेटी है देखते हैं। ओ ये तो साइमन की बेटी है दोस्तों, ये से बात कर लेते हैं। ये फिलहाल बिजी लग रही है, इस समय यही संभाल ली थी डीलरशिप, और मैंने इसको आके उल्लू बना दिया। मैंने कहा भैया आपका तो धंधा लॉस में जा रहा है, आप मुझको भेज दो, इससे बेटर है मैं आपको इससे ज़्यादा। ओ भाई मैम, मैं पेमेंट कर देता हूँ दोस्तों, फिर आपको बात करता हूँ, दो सेकेंड को। सो ऑल राइट दोस्तों, पेमेंट हो गई है, मैंने इनसे डीलरशिप खरीद ली है, ऑन द पेपर साइन वगैरह सब हो गया है। जिमी ने साइन करा के पेपर अंदर रख लिए। अब साइमन की तो लग गई, ये पहले प्लान पूरा बताओ, इससे पहले इनको भगाता हूँ। चलो मैडम हो गया आपका काम, जाओ। सो ऑल राइट दोस्तों, वो दोनों चली गई। अब हम और जिमी मिलके इंजॉय करने वाले इस डीलरशिप में। मैंने साइमन के लगा दिया चूना, ऑफिस बाद में दिखाता हूँ, पहले एक बार मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। यार ऐसा करता हूँ, उसला को बुला लेता हूँ, एक बार कॉल करके पूछता हूँ वो क्या कर रही है, कहाँ है। हाँ दे यार, ये तो फ़ोन ही नहीं उठा दिया, छोड़ो इसको, अब क्या ही कर दे, बार बार क्या ही कर सकते। चलो यार जिमी भाई चलो, मेरी तो कोई बात हुई नहीं है उससे खास, मैं आपको डीलरशिप दिखाता हूँ पूरा, क्या नाम है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, सब कुछ। यहाँ से ऐसे प्रीमियम डीलक्स मिलते हैं इसको ऐसे नहीं समझ आएगा, देखो मैं आपको दूर से थोड़ा दिखाता हूँ। चलो चलो प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट, ये गरीब इंसान ट्रेन में अच्छा नहीं लग रहा। अरे जल्दी चल चल निकल यहाँ से, तू भी निकल। अच्छा जिमी था दोस्तों, तो दोस्तों देखा अपनी कितनी प्यारी लग रही डीलरशिप। अब इसमें ये था गाड़ियाँ ऐसे अपनी नहीं है, यहाँ पे लोग रात में पार्क करके चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं। और अब आपको अंदर अपना शोरूम का टूर दे देते हैं। ये रहेगा जिमी का ऑफिस, क्योंकि जिमी अब हमारे साथ काम करेगा, तो जिमी को भी एक ऑफिस देना पड़ेगा। ये बंदे अंदर लाएगा, कार्स बिकवाएगा, डिलीवरी मैनेज करेगा, ये सब, तो ये जिमी का ऑफिस रहेगा। और मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ चल करके, आ जाओ जिमी। और दोस्तों ये उसके जस्ट बगल में मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं मेन बॉस हूँ। ये मेरा ऑफिस है, ये कुछ ऐसा ही दिखता है। उधर वो वॉशरूम है सामने, जहाँ स्टाफ ओनली लिखा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जिमी अपने कुछ दोस्तों को ला करके काम करवाएगा, जो बेसिकली मैकेनिक वगैरह होंगे। ये यहाँ पे हम लोग मोनिटाइज करें, मॉडिफाई वगैरह करेंगे गाड़ियाँ। अभी तो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, ऐसे सस्ती सस्ती गाड़ी हैं, साइमन की औकाती इतनी थी ना दोस्तों। वैसे हम लोगों ने दो तीन डील क्लोज भी कर ली हैं जिमी ने बेसिकली, और ये PDM और ये हीरो, और यहाँ पे बेसिकली ये दोस्तों TV लगा है, ये सोफे वोफे में लोग आके बैठेंगे डील। ये वॉशरूम है, खोल के दिखाऊं क्या, देखते हैं खुला है कि बंद है, अभी खुला नहीं है दोस्तों, सुबह स्टाफ मेंबर्स आएंगे वो खोलेंगे आकर के। और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और ये वाला शीशा जब माइकल भाई ने तोड़ा था वो अभी तक टूटा पड़ा, इसको भी लगवाना पड़ेगा यार। ये कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो हम लोग करवा लेंगे फटाफट। हम लोग अपने प्रगत ने कहा था एक काम दे रहा था, उसने वो हटा देते हैं, अंदर से ऑफिस से चाबी ले आया गाड़ी का। हाँ तो चाबी लेने गया था बेसिकली, और मैं स्ट्रिप क्लब जाकर के ट्रेवर की फाइल लानी है, क्योंकि वो कोई चाइनीज से डील कर रहा था, तो वो फाइल ला करके देखते हैं हम लोग। जिमी को भी बड़ा तो हो ही रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना, अरे गलत रास्ते में जा रहा था, हम लोग निकल चलेंगे कब्जा कर लिया बेसिकली। बुगाटी, अबे ये तो जिमी की है। हाँ माइकल भाई का भी डीलरशिप का काम है, माइकल भाई भी मर्ज कर देंगे मेरे साथ, हम दोनों मिलके लॉस सेंटोस के सबसे बड़ी डीलरशिप खोलेंगे। चलो दोस्तों फटाफट हम लोग अंदर चलते हैं। अरे बेटा जिमी
अच्छा चल फटाफट। अरे यार जिमी है, मजाक करते रहते दोस्तों, ऐसे बुलाना चाहिए दोस्त। माय बुक आई रॉक एनी कलर आई वांट हम लोग फॉर रियल दो मेरा कॉपीराइट आ जाती है तो हम लोग फटाफट कैन फ्लॉक टेक स्ट्रिप क्लब ऑब्जेक्टिफाई वुमेन बट यू एंट ऑब्जेक्ट यू आर पीपल। चलो भैया फटाफट, अच्छी बात है कोई अंदर है नहीं अभी, मैं ना अभी जस्ट स्वैगिंग इट। अरे हां यू स्वैग ओवर हियर। ठीक है दोस्तों फटाफट फाइल ले लेते हम लोग यहां से अपनी, और जिमी को, जिमी बाहर ही रुक गया, बहुत हरामी लौंडा हो गया है। चलो दोस्तों फाइल वगैरह उठा लेते हैं, कहाँ है अपनी फाइल, यही कहीं होनी चाहिए। तो ऑलराइट दोस्तों फाइल मिल गई है, मैंने कंप्यूटर में एक उसने सॉफ्टवेयर दिया था वो भी डाल दिया है, और फटाफट हम लोग हम लोगों को थोड़ा सा ना ऐसा कहता हूँ मैं आपसे सीधे डायरेक्ट बात। Seriously, think that girl liked me? Did she like me? I know you're like a busy dude, so I could like split now, or we could like keep on chilling, whatever. अबे गार्ड गुस्सा आ गया, अबे ट्रैक में आ गया। पिंचे पायासो। You maniac. चलो दोस्तों जिमी को हम लोग उसके घर में छोड़ते हैं, वो पता पता वो निकल जाते हैं यहाँ से। Let's you and me get faded, dog. I'm thirsty. Man, you got off lucky, homie. So, all right, dosto, Jimmy se baat kar. Get your ass out of here, bro. Good times, homie. तो जिमी ने कहा था मुझसे कि वो छोड़ देगा ये सब काम, और वो मेरे साथ आता है डीलरशिप पे। अभी मैं फिलहाल डीलरशिप पहुंचता हूँ, यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोग, डीलरशिप पे मिलता हूँ मैं आपसे। और राइट दोस्तों बाय बाय। चलो दोस्तों डीलरशिप, ये बंदी फोन नहीं उठाएगी, छोड़ अपनी प्रीमियम मोटर डीलरशिप पे, और यहाँ पे आकर के हम लोग ने अपनी कार को ऑन सेल लगा दिया रिपेयर करवा के, और फिलहाल मुझे जाना था डिलीवरी करने, और मैं चल रहा हूँ डिलीवरी करने। आपको दिखाता हूँ मैंने गाड़ी कहाँ लगाई है, वो कैसी हो गई, गाड़ी की क्या ही कंडीशन थी, और कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। और इसको फटाफट हम लोग लगा करके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंदर स्टाफ भी अभी कोई नहीं है, मुझे तो सब मैनेज करना पड़ रहा है। मैंने बोला था जिमी से एक दो लोगों को जल्दी भिजवा दो, जिमी ने अब कहा था, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो ऑलराइट दोस्तों चलते हैं। ओ भाई साइमन आ गया, अबे तेरी साइमन आर यू ब्रेन डेड सिमियन यतेरियन डजंट बैक डाउन फ्रॉम एनीबॉडी। आई वांट बी ट्रीटेड लाइक दिस। माइकल भाई ऑलराइट दोस्तों माइकल अभी अभी गया है एक डिलीवरी करने के लिए, और मैं भी अब ठीक हूँ, मेरे सर पे काफ़ी चोट लग गई थी, रात भर सोया भी नहीं था, और साइमन ने आके सीधे सर पे मारा, और मैं भी डिलीवरी के लिए लेट हो रहा हूँ, और फिलहाल तो कॉफ़ी पी के बस मैं भी निकलने वाला था। चलो दोस्तों यार कॉफ़ी वॉफ़ी होती रहेगी, हम लोग फटाक से अपने काम पर चलते हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। लास्ट ट्रिप ले लेता हूँ यार, क्या ही करूँ। सो ऑलराइट दोस्तों हम लोग ने कॉफ़ी पी ली, ख़त्म कर दिया, हम लोग फटाफट चलते हैं चित्ता कार की डिलीवरी करना। चित्ता ही कह लें, हाँ दोस्तों ये कार है इंडियन बेस्ड कार, और इसको यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने ख़रीदा है, जो कि अभी हम लोगों से भी बड़ा है। अबे यार ये गाड़ी हटानी पड़ेगी, इसको फटाफट दे दो। अबे शिट यार भाई, यार ये गाड़ी को मैं वैसे भी हटा सकता था नॉर्मल तरीके से, भाई अंदर से चाबी तो लानी थी, आदत पड़ गई यार गुंडे वाले काम करने के, छिछोरे पन्ने वाले। अब दोस्तों अमीर हो गए, धीमे धीमे हो जाएंगे। चलो फटाफट ये गाड़ी हम लोग छोड़ के आते हैं, बढ़िया गाने लगाते हैं, चलते हैं अब, क्या ही तो गाड़ी है। अरे यार थोड़ा बेसुधा जाता हूँ, फटा गला है मेरा, वैसे गला ही फटा है, उखाड़ के मैं सबके देता हूँ। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं, आज माइकल भाई ने काफ़ी हेल्प कर दी थी हम लोगों की, डिलीवरी करने भी गया है, और अभी हम लोगों को सुबह से असाइनमेंट से बचाया, और अब चलते हैं हम लोग फटाफट यहाँ से, लोकेशन मार्क कर लिए मैंने, और चलते हैं यहाँ से, बढ़िया मैशअप चल रहा अपना, चलते हैं दोस्त। तो भाई आराम से चला लो, डिलीवरी करनी है।
दोस्तों मुझे तो अभी पिकअप ट्रक भी खरीदना पड़ेगा, ऐसे में डिलीवरी करने जाऊंगा तो सब तो गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। यार सही है यार, मुझे बहुत काम करना है, मैं माइकल भाई की हेल्प लूँगा, भाई भी हेल्प कर पाएंगे बच्चे से। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं, कहाँ पे हैं ये भाई 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 बच्चे, अबे यार अभी लग जाते। चलो दोस्तों मैं गाड़ी जाकर आपसे मिलता हूँ। चलो भाई दोस्तों हम बस यहाँ से मुझे लेना है राइट, गाड़ी अंदर लगा दें। भैया आपके मालिक ने बुलाया था गाड़ी लेकर के, वो खड़े अंदर बॉस। अरे बॉस तो लग नहीं रहा, सिक्योरिटी है या फिर बेटा है? अभी सिक्योरिटी की बात कर लेते दोस्तों इनसे। हाँ भैया ऐसा है गाड़ी डिले hey, अच्छा वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसकी। और ये दो गाड़ी क्या, गाड़ी हटा के अंदर खड़ी कर यो, ठीक है मैं कह दूंगा आप परेशान ना हो। दोस्तों बेसिकली ये चाहते हैं कि अंदर कोई गाड़ी पड़ी है बुगाटी, वो मैं इनके लिए निकाल दूँ, उसकी जगह पे मैं अपनी चित्ता गाड़ी लगा दूँ। तेरे के जोल्स गॉयस तेरी बैच की टाट पे घुसा लूँ, अबे बैच की आँख रेंज ओवर फदा दी भाई साहब, क्या ही की अबे एक और रेंज ओवर और बुगाटी भाई सही कहते, इसके बाद में सबसे अमीर बंदा है यहाँ का। ओ भाई क्या ही तो गाड़ियाँ इसके पास। दोस्तों बेसिकली मुझको ये गाड़ी पार्क करनी है, इसकी जगह चित्ता पार्क करनी है आकर के। और साहब क्या ही गाड़ी, बहुत आराम आराम से चलाऊंगा, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ, मैंने केवल मूवीज़ में ऐसी गाड़ी देख रखी है। ओ भाई क्या ही भाग रही है भैंस की टायर, यहाँ साइड से लगाता हूँ उसको और बाहर की गाड़ियाँ हटाता हूँ, तभी तो अंदर ला पाऊँगा चित्ता कह लो। ओ भाई क्या ही गाड़ियाँ हैं, और भाई बाहर की एसयूवी भी नॉर्मल नहीं है, ये वीनस गाड़ी है, ये भी इसने इंपोर्ट करा रखी है लिबर्टी सिटी से। भाई ये बंदा मतलब क्या ही कितना अमीर है दोस्तों, मुझे तो मिल गया खजाना, मैं यहाँ से फरारी या रोल्स रॉयस ले के जाऊँगा। अब इनकी ऐसी की तैसी मैंने दोनों गाड़ी पार्क कर दी है, चित्ता को मैं अंदर लगाने जा रहा हूँ। फिर माइकल से बात करता हूँ फ़ोन पे कि यार कैसे भी करके हम लोग उसको रोल्स रॉयस और फरारी यहाँ से निकालनी ही है, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी में कैसे निकालेंगे, माइकल भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और भैया किनारे तो बोल लो वरना तुम्हें चित्ता से पित्ता बना देंगे अभी। तो दोस्तों फटाफट हम लोग, अरे हटो बे सामने खड़े भाई, रेंज ओवर भी सही लग रही है, कुल मिला के मैं यहाँ से सारी गाड़ी लेके जाऊँगा। भाई यार मज़ा आ गई, और मेरा इस समय मन कर जाए मैं फरारी में बैठूँ लेके निकल लूँ, या ऐसा करता हूँ भाई इनकी सिक्योरिटी को प्रॉपर चेक कर लेता हूँ मैं। माइकल यार, माइकल को भी मैंने टाइम दिया था, माइकल चलो कोई बात नहीं, माइकल से तो मिल लेंगे। अंदर फरारी खड़ी यार, लेके निकल लें क्या यार, ये लोग एम कर रहे हैं बाहर जा कर के। सोचता हूँ माइकल से बात करता हूँ, फिर उसके बाद किसी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आता हूँ। मन तो मैं करना मैं फरारी अभी लेकर के जाऊँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। उस वक्त उल्टा बोल रहा था साले तेरी भैंस की टायर। ओ भाई बाकी किसी ने तो कुछ नहीं कहा, अब एम लेना, अब हो जाए लड़ाई भारी। भाई अब तो मैं गाड़ी लेके जाऊँगा यहाँ से, ये ले साले तेरी भैंस की टायर, ये ले। भाई अभी तक किसी ने एम नहीं करा, क्या ही बेकार सिक्योरिटी है इनकी, अब तो लड़ाई भारी होनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो मैं पुलिस वगैरह आ चुकी है दोस्तों, यार काफ़ी सीन टाइट है। ओ यार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं केवल गाड़ी में भी निकलूँगा यहाँ से, बाकी मैं अभी नहीं लड़ने वाला। चल बेटे हटिया हटिया बेटे, हाँ तू बस एम कर भाई, ये शायद प्रॉपर ये लेते तो मुक्का दे दूंगा तुझे, तो मैं चाटे से मारूंगा साले, ये ले। दोस्तों फरारी इनकी घट गया सिक्योरिटी, साले गांजा पिए खड़े थे, मैं ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द बेस्ट स्टीयरिंग ऑफ माय लाइफ। चल बेटे चिकन कर ले, गाना मैंने अपना फेवरेट लगा दिया, आप दोस्तों आप केवल एंजॉय करिए। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। अरे यार दोस्तों माइकल का ये गैराज में नहीं दिखा सकता हूँ, शायद मुझे गाड़ी का यहाँ छुपानी पड़ेगी, क्या करूँ। ऐसा करता हूँ अभी जहाँ चाहे तो वहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ शायद दोस्त कम हो।
यहाँ से स्ट्रेट जाकर के राइट लेना पड़ेगा मुझको। तो दोस्तों लड़ाई भारी होगी भाई, गाड़ी का टायर है ये, पर स्पीड देखो 114-115 बहुत आराम से पहुंची क्या ही गाड़ी इसको मुझे। और दो टायर इस समय नहीं है जब गाड़ी, और दो साइड के टायर गायब है और मैं दो साइड पे भाग आ रहा हूँ। यहाँ तो पुलिस नहीं है लेकिन मालिक लग रहा वापस आ गया है। अरे जाने दो यार गाइस, मैं बहुत कोशिश करता हूँ नहीं अंदर ले जा पाऊँ, पुलिस भी आ गई है दोस्तों। अरे यार शिट यार, ये अच्छा करो भाई ये गाड़ी हटाता नहीं तो मैं फंस जाता। अब तो लड़ाई भारी हो गई है दोस्तों, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। मैं फटाक से अबे साला तू टाइम से नौकरी कर, पान खाने चला आता सारा यहाँ दोस्तों। क्या नहीं यार पुलिस पीछे लगी है, कहीं और छुपना पड़ेगा मुझे। मैं माइकल से बात करता हूँ दोस्तों, आई होप आप वीडियो लाइक कर रहे, वीडियो को इन्जॉय करते हैं तो लाइक कर दिए जरूर से। क्या कहाँ जाऊँ मैं, यहीं कहीं माइकल ने एक लोकेशन दी है, ये दिए पीछे निकल गए, पीछे पीछे यहीं छुप जाता हूँ। तो माइकल अपने बंदे लेके यहाँ खड़ा है, वो गाड़ी सही कर देगा और फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाऊँगा अपने डीलरशिप पे। चलो दोस्तों चलते हैं फटाक से, अभी तक आया नहीं यार माइकल, आ रहा होगा। चलो दोस्तों का वेट कर लेते हैं माइकल का। सो ऑलराइट दोस्तों, माइकल और उसका बंदा आकर के गाड़ी ठीक करके एकदम फर्स्ट क्लास करके चला गए। अब मैं जा रहा हूँ डीलरशिप पे और वहाँ से मैं गाड़ी बेच दूंगा जा करके, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी से पैसे बनाने वाले हैं। अभी नहीं यार फ्रैंकलिन भाई, डीलरशिप जाना ठीक नहीं है, घर निकल लो अभी, कुछ दिन तक गाड़ी को सेव करो। तो और राइट दोस्तों, मैंने फाइनल डिसीजन लेना है कि मैं अभी इसको डीलरशिप पे जाके बेचूंगा ना, कुछ दिन अपना सकते हो। और राइट दोस्तों, घर पहुँचने वाले हैं, घर पे पहुँच के हम लोग डिसाइड करेंगे कि गाड़ी को क्या करना है। माइकल से बात करेंगे भाई, क्या ही तो स्पीड है यार, एक मिनट क्या ही पिकअप पकड़ दी है। अंदर खोल के गैराज में इसको करता हूँ लॉक में छुपा करके, और फटाफट देखते हैं क्या करना है। राइट दोस्तों, मैंने गाड़ी अभी अपने घर पे रख ली है, मैं जा रहा हूँ नहा करके फ्रेश होके रेडी होता हूँ एक मिनट के अंदर अंदर, और फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है मेरे साथ। और राइट दोस्तों, रेडी होके आ गया हूँ मैं, और बेसिकली मैं जा रहा हूँ अभी अपने पड़ोसन को ताड़ने। और तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।